मोमिन की जिंदगी में कुछ खास वाकयात खास दिन खास लम्हे हेलो खास लम्हा खास वेखे इसी आप ही दिन जना लगदी कि हुन शायद अगला बड़ा पीर चावन दा वेला सुफीताज इजे कई वेले दा तखलीक का एक वेला अगुते चावन वास्ते एक कदम अगुते चावन वास्ते एक 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 नमे वक्त वास्ते तैयार करन उन्दे कई मिसाल हैं तो बेशुमार मिसाल सारे पिछली 40-45 साल दे संगत दे विच बहुत ज्यादा इंजा मिसाल हैं मैं ले सकता जो एक खास जाल दे लगे कि हुन की इचे ही सानु लेकिन सुविधा है कि ना इतो निकल दे तो इतो अपने अगे निकल दे लेकिन असलम रसूल करीम एक बार क्या की दूं राजनपुर की दूं नजीर अमदानी के जो दरिया सां उनके दार की टिक सुन रहा हाल वाले के रसूल अच्छा नजीर अमदानी तो ऋषि अमदानी को है दोस्त और बशीर था कराची होता है उन्होंने उठा दोस्ती होती है कि था समझ दिया से नजीर अमदानी रस्ते चाहे किसी की ईद तो हूँ लेकिन उठा के छोसे पहचानी देवे ताज खाओ ने मिले ताजा ताजा ये वारदात थी ही जिन इतनी बड़ी कयामत गुजरे बसे बुलते के सच को सूरी दे चार दिता गया असा उठा क्यों ताज खां आशिक खां मंजूर खां शायद मुनवर खां उठे बेचैन थे तारे खुश थी मिले पर प्रोग्राम बना पै गया कि अज रात उठे चुबारे बैठे जिनू ताज खां दे चुबारे थे ਚਾਹੀ ਰਾਤ ਦਾ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲ ਅਸਲ ਮਸੂਦ ਬ੍ਰਿਜੇਟ ਪੈ ਮੈਂ ਵੀ ਤਾਂ ਮਹਿਮਾਨ ਤੋਂ ਸੇ ਦੂ ਪਰ ਖਿਆਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਕੋਰਸ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਸਾ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਹੀਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਈਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮਹਿਮਾਨ ਤੋਂ ਸੰਤਾਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਉਹ ਸਭ ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੁਝ ਛੋਟੇ ਮਾਂ ਤੋਂ ਸਾਈਂ ਇੰਨਾ ਲੁਜੋ ਪੈ ਬਸ ਪਿਛੇ ਮੈਂ ਇਹ ਖਾਨ ਖਾਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਤਨਾ ਬੰਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰ ਤੋੜੀ ਇਤਨਾ ਜਿਵੇਂ ਤੁਮ ਤੇਰੀ ਮਰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਅਸਾਂ ਆ ਗਏ ਸੀ ਨਜ਼ੀਰ ਅੰਦਾਨੀ ਦੇ ਘਰ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੇਚ ਸਾ ਚਾ ਜਮ ਮੈਂ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਅਜੀਬ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਖਾਮ ਖਾਚਰ ਗਈ ਆਸ਼ਿਕ ਖਾਨ ਨਾਲ ਅਤੇ ਤਾਜ ਖਾਨ ਨਾਲ ਪਰ ਦੋਸਤ ਮਿਲਣ ਜਾਣੇ ਨਾ ਸਾਂ ਮੈਨੂੰ ਆ ਪਏ ਕਿ ਅਸਾਂ ਤੂੰ ਹੀ ਦਾਖ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਨਾ ਕਹੀ ਰਹੀ ਨਜ਼ੀਰ ਅੰਦਾਨੀ ਦੇ ਘਰ ਵੀ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਜਰ ਪਾਉਂ ਉਹ ਵੀ ਚੀਤ ਦਾ ਅਸੇ ਕੁਝ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਹੀ ਚੀ ਲਵੀ ਦੌਰਾਨ ਅਸਾਂ ਕੁਝ ਸਿਆਸੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਵੀ ਕੀਤੀ ਪਰ ਉਹ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀ ਇਨ ਸਾਰੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਵਿੱਚ ਦੋਸਤ ਨੇ ਕੁਝ ਸ਼ਰੀਕ ਕਰੀ ਹੈ ਉਹ ਅਹਿਸਾਸ ਹੈ ਲੋਕ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਇਸ ਵਾਰ ਦੇਖੇ ਨਾ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਹੈ ਅਸਾਂ ਕੋਈ 9 ਵਜੇ ਕੋਈ ਇਹ ਰਸੂਲ ਸਾਂ ਔਰ ਸਵੇਰੇ 5 ਵਜੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਅੱਛਾ ਹੈ ਹੁਣ ਅਜ਼ਾਨਾਂ ਚੀ ਮਨਾ ਗਏ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਰਦੀ ਦੀ ਰਾਤ ਦੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਦੇਰੀ ਇਹ ਮੌਸਮ ਹੈ ਇਹ ਮੌਸਮ ਹੈ ਸਰਦੀ ਦੀ ਰਾਤ ਸ਼ਦੀਦ ਸਰਦੀ ਪੈਂਦੀ ਪਈ ਪਰ ਅਸਾਂ ਕੋ ਸਰਦੀ ਦੀ ਇੱਛਤਾ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਨਾ ਅਜਰ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਦਾ ਮਜ਼ਾ ਇਹ ਵੀ ਉਜਾਰੇ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਥੀ ਔਰ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਂ ਆਖਾਂ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਾਜਨਾ ਆਖਾਂ ਕੁਝ ਮਨਜ਼ੂਰ ਖਾਂ ਆਖਾਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਗੱਲੀ ਮੇ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋਇਆ ਨੇ ਹੁਣ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲੀ ਦੇ ਇਹ ਕੱਲ ਸ਼ਾਮ ਹੋਏ ਇਹ ਸਾਰੇ ਗੱਲ ਕੁਸਾਂ ਕਰ ਬੜਾ ਬੜਾ ਦੁਹਰਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕੀ ਜਾਵੇ ਪਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਨਕਸ਼ਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਉਹ ਮੈਂ ਦੱਸ ਮੈਂ ਬਰੇ ਸਾਰੇ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਦੱਸ ਗਿਆ ਤਾਸ਼ਾ ਬਹੁਤ ਉਹਦੇ ਦੇਖਣ ਦਾ ਨਾਲ ਦੀ ਤਾਸ਼ਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹਨੇ ਕਰਾਚੀ ਆਵੇ ਹਾ ਵਰਸਾਂ ਮੁਖਤਲਿਫ ਸਫਰ ਕਰਨ ਦੇ ਆਸੇ ਲੋਕ ਨੂੰ ਵੀ ਗਿਆ ਸੀ
ताज खान ते आशिफ खान ते कुछ भी दोस्त कच्चन असल बेनजी को मिली हासिल पर एक अच्छी भरपूर मुलाकात थी रसूल अफकरी को मिली हासिल शायरी अदीबे को मिली हासिल शौका सिद्दीकी उन्हें नावेलू जमाने को हूं पढ़ा वेदा सबरन ब्याजिस दे बेच जानूस पढ़ा वेदा आप ते जानूस दे सारे किरदार जिधे थे फाजुलपुर ते इतने ही नार इतने कोटला नसीब ते अपना एक पूरा एक पट्टी जिधे नींद उन ते टूटे वजन उन्हें दे आपके किरदार जिन्हें लाली रहिंदाल वो नहीं आ रहे पास से तो वरना ये तुम फिर के दिल की सारे पासों सारा झुबरा पे जाओ ही धरती ता मुंह मेरे सराय सराय की सवार सियादी आमरियन पीपल्स पार्टी की मुजाहिमत इस सारिया चीजा रिलिया मिलिया ख्याल उन्हें भी छे के नाविल भी हाँ जिर अपना किरदार अदा करना पिया और उन्हें किरदार भी हाँ जिर हम पूरी सराय की तहरीक जो भी अपना एक किरदार बनते पिया वो सराय की वसेब की में सराय की धरती की में सराय की धरती के लोग सुचे दे की में स्टेटस क्या है सोशल स्टेटस क्या है आदमी का स्टेटस क्या है खातून का स्टेटस क्या है और सारे लोग सुखे दे में नहीं होते एक जनरल डिस्कशन में चीनी गई एक अमूमी गुफ्तगु में चीनी गई एक नावरे दे किरदार दे में भी चीनी गई एक अजीब गरीब किस्म का इम्तजाज चाहे अजीब गरीब किस्म का एक चीजा फिर फिर प्रण दिखा और ये सारे गाने दे ताश मामला इन सारे गाने दे विच आशिमा भी होता मंजूर खान भी होता मतलब एक मुस्तकिल एक अपना मुनवर खान भी के सारी एक दोस्तें भी एक एक एनजी यू जी मैंने से कह रहे हैं चार यार हम या पांच ना जो कर दिया हां ने ई में जो ना रले बने होते हैं नहीं को कुछ लग गया ये ना लगता है कि कोई अंज अंज सोच ना कोई अंज अंज फिक्र ना कोई ख्याल ना कहना वो सारे सारे किताब करके देखना मन के हन जेरे ही के धागे कुते बयान और ही को रहन दे हां ने की शक्ल दे हां ने को जने हां ने को जे सोची को जे फिक्री एक पे दिस नाल सलाई एक पे कोई सर दे दे और एक पे एक पे ला इत्राम कर दे होई अबू ते बनते बयान जो अबू ते रुदू और अबू ते बन बन करी अपनी दार को क्योंकि वसेब दे मारे हुए लोगे दे वेचे इतने सारा घिनन दे भी आसरा कह ली इन मुखी में सारा घिनन दा आसरा मिले ही दार वास्ते सारे दे सारे टूट जाए फिर एक कराची के सब कट करते हैं कई कई कट के नीचे भी चाहिए चले वेचे मतलब 3,000 ही लोग कच्चे थे दो बड़े कट थे और सारे जरे आस पास चिंदा को भरे के होंगे सारे के खेत के मैदान चिंदा को भरे के होंगे ऑडिटोरियम चिंदा को भरे के होंगे कराची यूनिवर्सिटी चिंदा को कराची यूनिवर्सिटी का ऑडिटोरियम भरा के होंगे और हजारा लोग ना सिर्फ अंदर शरीक होंगे बल्कि बाहर सड़कें भी लोग होंगे जिन्हें सुनते पे होंगे झुमरा होंगे दारे होंगे जी मुजाहिमत दिगार की दे कि जनाब झुमर को बताओ मुजाहिमत बताओ सासी अमल झुमर यही सासी अमल के तौर पे इस्तेमाल कर एक खास ताजमहल अंदाज कि मुजा एक झुमा ये ये सारी सासी तहरीक का एक हिस्सा है ये जो लक्ष्य है सारी सासी तहरीक का हिस्सा है जिसे सारे गांव है सासी तहरीक का हिस्सा है जिसे सारे लोग है खास सासी तहरीक का हिस्सा है और सारा सामाजिक अमल भी सारा सासी अमल है और सारा मुआशी अमल भी सारा सासी अमल है हर शय सासी अमल है सियासत कानून आज कोई शायद भी कह नहीं सिर्फ एक जानवर है या जेरी गैर इंसानी मखलूक है वो सियासत नहीं करेगी अगर इंसान होसी तो सियासत करता होते फिर इंसान ना होते और जरा सियासत नहीं कर रहा वो भी सियासत कर रहा जरा आज सियासत ना करो वो भी सियासत कर रहा कहीं क्या ये करना क्या हाँ कि जनाब तुम्हारे से हो ताहदे कि मैं इतना कहा मैं सब कुछ वो भी सियासत कर रहा जरा धारा की है वो ही सियासत कर रहा मेरे वर्दी पानी के वो ही सियासत धारे के वर्दी ने बगैर ना हो जाता वो भी जरा तो क्या क्या हो इतना नहीं भरोसा है कुछ पुत्र हराम ने नहीं विकते बाबा सियासत है ये जो तुम्हारी सियासत है तुम्हारी इकोनॉमी है तुम्हारी मैशत है तुम्हारी चीज है और मेरा माही शायद छबीला जनायत भी ये भी सियासत है ना
जननी करना है नहीं तराने लो ये विच शासन है इस पैदा करो हाय की में जीवना कर लो और कहानियां लिखो कहानियां लिखो के मालों की रैली में घिर गिर गए गए माइंटी में नौ जहाज को तबाह कर गए नहीं बचाए तो आज भी दे लो बल पे ऐसा ताया मारू बाहर तो साय में मालूम नहीं क्या की देवे उनके नाम से कोंगड़ा रोड़ी है क्या रिटायरमेंट के पहले उपगेन तू जिला चीफ ऑफ एयर स्टाफ है एयर मार्शल शमी मालम उनकी ज्यादा तू गार्ड हो से स्क्वाड्रन लीडर एम ए मालम को मेरा दोस्त था उनके हजार इख्तराब न मेरे उनके नाम नुकते नजर देख ला अपन लेकिन मेरा तू अजीज दोस्त था और वो उनको अभी ने तू गार्ड ही एयर चीफ मार्शल की ज्यादा ਉਹ ਸ਼ੌਪਿੰਗ ਕਰਨੀ ਉਹ ਬਿਸਤੇ ਉਹਦੇ ਬੈਗ ਦਾ ਕੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਹੀਰੋ ਆ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਿਤਾਰਾ ਹੈ ਜੁੜਾਦਾ ਜਾਂ ਹਿਲਾ ਨਹੀਂ ਜੁੜਾਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਆ ਬਣਾ ਉਹ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਕਿਉਂ ਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋਣਾ ਤੁਮ ਕੁੜੇ ਹੋਇਆ ਇਹ ਇਹ ਸ਼ਾਸਨ ਇਹ ਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਦਾ ਮਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਅਸਾਂ ਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਜੁੜੂਗੇ ਅਸਾਂ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਮੁਖਤਲਿਫ ਅਸਾਦੂ ਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਰਾਣਾ ਫਿਰੋਜ਼ ਖਾਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੈਸਾ ਕਰਿਆ ਇੱਕ ਤਾਜ ਲਗਾ ਕਰਿਆ ਇੱਕ ਤਾਜ ਪਾਨ ਕਰਿਆ ਵੀ ਮਹਾਲ ਸ਼ੋਕ ਕਰਿਆ ਵੀ ਮਹਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਪੀਪਲਸ ਫੈਟ ਪਾਰਟੀ ਕਰੀ ਸੀ ਸਾਡਾ ਉਹ ਨੂੰ ਲਿਖਦੇ ਉਹ ਫਿਰਾਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਸਾਡਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਹਿੱਸਾ ਸਾਡਾ ਅੰਤ ਕਰਕੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਡਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਖਰਾਬ ਤਰੀਨ ਮਾਲ ਵੀ मार्केट जरा शासन दी मार्केट पे जा मुंदे विच भी चार आने आखने सारे थी पे हो सके उन्हें कोई ऐसा माइंड संभाल मौका प्रस्ती ई ना हो सी के जनाब असन का उठ रहे दे तू पर से हाथ पे दे तू पर किसी को हाथ मार दे शय कर दे कोई कहना हो सके वो उन्हें अपने मारुसी ऑब्जेक्टिविटी है वो करे ना करे ये मौलाना फजलुर रहमान इत्मीनान करी स्पोर्ट सब्जा करे ओ अजरक पाखरे तनार आखरी के लफ्ज दे शहर वालो चपटी बाबा को रोको ना दाए दैन हिगनी वस्तियां उजाड़ दी के मौलाना ए शासन कहनी का खनामा नु मान करी के सरे की विच की पिया की या मरे नवाज आन के जब पहले एक जुमला सरे के दा की के जुमला ओ शासन ना है ओ इतना शासन साली है उसको बेनिफिट दे सकते तो उनको जरूर सा जैसे भी सही उनको इस्तेमाल भी करे सो उनको ऐसा नहीं पड़े सो उनको ऐसा सही करे सो तो गुनाह नहीं पीपल्स पार्टी 95% काम करे से तो 95 तक करे करे सो अगर पीपल्स पार्टी 100% तक करे से तो 100% तक करे करे सो अगर कोई ब्याज साना लगा क्या हो सी ਬਾਦਨੀਆਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਅਸਾਂ ਕਮਸਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਾ ਦੀ ਸੁਣਿਆ ਰਸੂ ਬਾਬਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਤੇ ਨੀਅਤ ਕਿਆ ਹੈ ਖੁਦਾ ਕੇ ਲਗਾ ਅੱਛਾ ਤੂੰ ਸਰੈਕ ਦਾ ਕੇਸ ਕਾ ਦੀ ਖੜੀ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਕਿਆ ਹੈ ਤੇਰੇ ਖੀਸੇ ਕਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਖੋਟੇ ਖੀਸੇ ਦਾ ਅਸੀਂ ਕੇ ਰਾਂਗੇ ਸਾਰੇ ਕੋ ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਂ ਕਾ ਸਰੈਕ ਦਾ ਕੇਸ ਕਾ ਦੀ ਅਸਾਂ ਹੀ ਨਾ ਮਿਲ ਧੋਕੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਫਰਾਡ ਨਾ बदमाशी ना लुच्चा पन्ना इंतहाई ज्ञानत ना कोई सारा बदतरीन दुश्मन सैकी अवाम दे काज वास्ते हितकार करे सी असों को वेलकम करे सो लेकिन असा ये नजर जरूर रख सू के अगला कदम ता जरे बदयान की ता बदनी अंदर हो क्या है कु उठे ही मन पकड़ लिस और कोई ब्लैंक चेक करी सरैकी 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 खेला ना रहे कहीं नजरी लगा रहे वास्ते कहीं राणा प्रो फराज साहब सागे कहीं दे वास्ते कि वो सरैकी 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 का ना जावे और सरैकी के नुकसान वास्ते करे या सरैकी आवाम दे मजबूरी नुकसान की कार करे वो कई गाल हक नहीं किता वैसे आली मर्तबा इज्जत दिमाग इंतहाई काबिल एहतराम
मैं अपने दोस्त दे ताने मेहने भी सुने, मैं गाली भी सुने, लेकिन अगर जीएम सैयद साहब आखे कि जरा मुल्क दे मार्शला दे काले बादल छा वजे तो सियासत को छोड़ो ते कहीं चुंडे जो बैगनी किताबा लिखो सियासी अमल की मुंह में जरूरत है या चुंडे जो बैगनी को क्या काम करने जरूरत है तो समझ के नहीं अगर ज़ियाउल हक ने हक ने भोसा ने एक नहीं उनको आओ मेरी लाइब्रेरी का मैं हमने बाल दिया वो लाइब्रेरी नहीं ज़ियाउल हक की लाइब्रेरी के चीज गए पर अगले जा रहे मैं कुया मतलब वजह क्या हो रहा है ज़ियाउल हक ने उसे आया थे मेहरबानी कहूंगी दी थी बस मेरे को कावाली गाल दिए जो मेरी लाइब्रेरी के अंदर नहीं बैठा बाहर नहीं बैठी थी बाकी रोटी खा दी थी मेरे के उन्हें घूम गया जगन एम आर डी घूम में चलती भी है एक एक बस्ती दे सौ सौ बंदा मरदा पे ये आहदा पे जो जमुनी जिदोजहद करना रहने के लिए एक कफन शो रहे इन सारे पूरे वसेब दे विच सरे की वसेब दे विच सब को ज्यादा मुथारे जा रही जिनी कोई आई सारे संगे सियासी जमहूरियत दा किबला काबा हाजिर करे पर हाजिर करे जिके सारी पाए सरे की वसेब दे विच सब को ज्यादा गिरफ्तार है कहीं कहीं मेरे सारे दोस्त विजन का जिन्हें गिरफ्तार है तेल शबीला शारी के मंजूर खां अपने सारे दोस्त जिहड़े इस सारी सियासी जिदोजहद विच राहुल खान पूरे 80s डिकेड ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਆਂਦਰੇ ਲਈ ਪੂਰੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਗਿਆਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਸਟਗਰ ਕੀਤੀ ਬਾਕੀ ਦੋਸਤ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕਾਇਦਾ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੇ ਅਮਜਦ ਵਾਸੀ ਗੇਰੇ ਪਿਆਰ ਸਾ ਔਰ ਬੇਸ਼ੇ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤ ਪੈਨ ਪੈ ਆਸ਼ੇ ਮਾਂਜੇ ਦੇ ਜਾ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਚੀਨੇ ਪੈਨ ਲੋਕ ਪਕੜੇ ਤੇ ਪੈਨ ਇਥੋਂ ਦੇ ਪਿਛਾ ਵੀ ਪਕੜਿਆ ਪਿਆ ਅਸਾਰੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਮੀ ਗੁਆੜਾ ਉਹ ਲੁਕਦਾ ਵਦਾਉਂਦਾ ਔਰ ਸਿਆਦ ਦੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਗੁਆੜ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੋ ਪਕੜੀ ਵੇ ਜਾਂਦਾ ਨੂੰ ਆਗੇ ਸੀ ਮੈਂ ਨਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਗੁਆੜ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹਜ਼ੂਰ ਬਸ਼ਾ ਹੈ ਮੈਂ ਕਿ ਬਾਹੂ ਪੂਜੇ ਹੀ ਗੁਆ ਹਸ ਪਕੜੇ ਗਏ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਪਾਇਆ ਤੂੰ ਆ ਮੈਂ ਨਾ ਹਜ਼ੂਰ ਬਖਸ਼ੇ ਹਜ਼ੂਰ ਬਸ਼ਾ ਮੈਂ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਨਾ ਉਹ ਏਰੀਆ ਫਾਜ਼ਲ ਪੁਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਆਖਾਂ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਪ੍ਰਸਤੀ ਦੇ ਬਚਾ ਕੇ ਕੌਮ ਪ੍ਰਸਤੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਆਖਾਂ ਕਿ ਛੂਟੇ ਫਾਜ਼ਲ ਪੁਰ ਦੇ ਲੋਕ ਸਿਆਸਤ ਕਰਦੇ ਪੈਣ ਸਿਆਸੀ ਅਮਲ ਕਰਦੇ ਪੈਣ ਇੱਕ ਕਫਨ ਚੋਰ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਸਿਆਸੀ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ मैं आकाए बड़ी नेमत दस्त गोसी के लिए मैं आकाए बड़ी नेमत को सलूट कर रहे ओ वर्दी बात नहीं ओसी आन की मेरे को अपनी बादशाह कितने सी मैं उन्हें को न्याज मत दिखाऊंगी अपनी गोले जिन्हें रखो है उन्हें ते हाथ रख कर रखो है समझने तो तबाह सहायता करने और मैं आकर जिन्हें जितो जाने में मैं वो कफन जोर है तो मैं उनको हीरो बनने से भी तैयार कहीं भी जाती तौर पर मैं जीएम सैयद हूँ मेरा मैं कॉम्प्रेसी नहीं मिलता हूँ कोई हीरो नहीं मिलता मैं उनके कई दफा मैं इंटरव्यू ही की थे मैं उनके गाड़ी भी की थे वो आधार मैं पूछे मैं कि इतनी सारी जिद्दोजहद के निपेंद जो हारी का किरदार क्या है किसान का किरदार क्या है अरे चोर है एक बदमाश है शेखा टांग पीने के अरे कुत्ते मैं क्यों आज हैदर बख चटोई उन्हें जेलाए पांची नौकरी छड़ी ए हिन्नन पछाड़ी कुतन हैदर बच्चों तो एक वो डानी ना वो लगी कुते उनको एक आवाज लगी थी है कि जनाब हैदर बच्चों तो ही एक बड़ा ब्यूरोक्रेट है उन ब्यूरोक्रेसी को छोड़े वो आंकड़ी हारे ने ना कर ले हारे उन वो नहीं था हारे था वो क्यों है देखो तो यह काल सुचनों क्यों है दे बिस्मिल्लाह खान दरीशन तो क्यों है दे शेरबाद मुदाहिद तो क्यों है दे फारूक लगा तो इसे बाद इलेक्शन निकाल के सत्ता दे इलेक्शन निकाल नहीं करना था शुदा रह से का होते उनको पता होते जिन्हें पुलिस में मन पकड़ी सी तो मैं को मंजूर खान ना शुरुआत से थी मंजूर खान छा यूनियन परिषद के चेयरमैन उसी एम के कहना उसी एम ने कहना मन सी वो तो अपना शुरुआत से थी मैं वो मायने वाले मंजूर खान सामने खड़े मंजूर खान वो अपने से वो आसन सी मैं सुधा खान के आया हूं ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕੁਮੈਂ ਹਾਰੀ ਦੀ ਬਦਿਆਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਮੈਂ ਖਰ ਬਚਾਉਂਦੀ
ਜਿਹੜਾ ਦਾਨਿਸ਼ਵਰ ਗੱਲ ਪਰਦੇ ਅੰਤੇ ਕਰਦੇ ਪਿੱਛੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਸੇ ਦੀ ਪਾਈ ਗਈ ਗੱਲ ਜਿਸੇ ਕਿ ਵਕਤੂ ਦਾਨਿਸ਼ਵਰ ਹੈ ਤੂੰ ਬਸਮਝਾਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕੁਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਸਜ਼ਾ ਪਤਾ ਹੈ ਤੂੰ ਕਿਹਦੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਛੂਟ ਨਹੀਂ ਸਿਆਸੀ ਕਾਰਨ ਮਿਚੋਰ ਸਿਆਸੀ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਬੀਜਾ ਰਹੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਆਈ ਥਾਇਆ ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਮੈਂ ਇਤਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁੱਖ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਸ਼ ਖਾਂ ਦੇ ਵਿਛੋੜੇ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਛਿੜਕ ਜਾਗੀ ਹੈ ਮੈਂ ਕਦਮ ਨਾ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਸੋ ਮੇਰੀ ਸੰਗਤ ਤੋਂ 30 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਸੀਗੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਮੈਂ ਤਕਰੀਰ ਕਦਮ ਸੁਣੀ ਗਈ ਕਸਰ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਹੈ ਛੋਟੇ ਕਿਨੇ ਵੱਡਾ ਥਾ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੈਂ ਇਹ ਤਕਰੀਰ ਨਾ ਸੁਣੀ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਤਕਰੀਰਾਂ ਸੁਣਿਆ ਹਨ ਛੋਟੇ ਵਿਰਾ ਦਿਆਂ ਆਪਣਾ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਵਿਰਾ ਦੇ ਮਹਿਬੂਬ ਤਾਬਿਸ਼ ਮਹਿਬੂਬ ਦਾ ਤਾਬਿਸ਼ ਤਕਰੀਰ ਸੁਣਿਆ ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਤਕਰੀਰ ਮਹਿਬੂਬ ਤਾਬਿਸ਼ ਅੱਜ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤਕਰੀਰ ਅੱਜ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਸਰਤ ਉਸਦਾ ਜਿਹੜੀ ਤਕਰੀਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਰੌਫ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਤਕਰੀਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਬਰ ਕਿਹੜਾ ਸੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਸਹਿਜੀ ਬਸੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਰਵੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚੋਰੇ ਉਹਨੇ ਬਾਲੇ ਗਏ ਔਰ ਆਪਣੇ ਤਮਾਮ ਮਸਾਇਲ ਕੋ ਆਪਣੇ ਤਮਾਮ ਜੇਲੇ ਸਮਾਏ ਮੇਰਾ ਆਪਣੇ ਵਿਰਾ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਨਾਲ ਕੋਈ ਝਗੜਾ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਜਨਾਬ ਜ਼ਰੂਰ ਦਰੇ ਸਾਹਿਬ ਨਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਤਲਾਫ ਹੈ ਕਿ ਮੇਜਰ ਇਤਲਾਫ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਖਾਂ ਕਿ ਉਹੀਓ ਲੇਕਿਨ ਅਸਾਂ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਰਵੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਔਰ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਹ ਜੀ ਮਿਸਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਬਾਪੂ ਇਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਅੱਜ ਖੁਦ ਕੋਈ ਰਿਆਇਤ ਦੇ ਅੱਜ ਖੁਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਰਿਆਇਤ ਦੇ ਇਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਇਹ ਮੁਮਕਿਨ ਹੀ ਕਰੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹ ਵੱਡਾ ਫਾਇਦਾ ਲੈਣੀ ਪਿਓ ਸੀ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਰਿਆਇਤ ਦੇ ਸੀ ਔਰ ਮਾਮੂਲੀ ਰਿਆਇਤ ਦੇ ਸੀ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਪੂ ਇਹ ਮਾਮੂਲੀ ਰਿਆਇਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਣੇ ਨੇ ਨਾਰਾ ਮਨ ਕੌਣ ਰੋਕ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਬਾਨ ਕਾ ਗਿੰਦ ਉਹ ਖੱਲਾ ਗਿੰਦ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਚਾਹ ਗਿੰਦ ਉਹ ਗੈਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਬੋਲੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਹੈ ਜਿੰਨੇ ਪੈਣ ਲੇਕਿਨ ਅਸਾਂ ਅਲੇ ਨਹੀਂ ਖੜੂ ਇਹ ਰਿਆਇਤ ਹੈ ਅਗਰ ਉਹਨੇ ਦੀ ਦੇ ਤਾਂ ਲੇਕਿਨ ਸਾਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਹੱਕ ਹੈ ਅਸਾਂ ਅਲਾਉਣ ਦੇ ਹੱਕ ਹੈ ਦਸਤਬਰਦਾਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਛੋੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਅਲਾਉਣ ਦੇ ਹੱਕ ਔਰ ਅਸਾਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਮਿਚੋਰ ਕਲਾਸ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਪਈ ਹੈ ਉਹਦੀ ਦਾਨਿਸ਼ ਦਾ ਕਿਤੇ ਬਹਿਕ ਨਹੀਂ ਉੱਤੇ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਛੋੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਕਿ ਮਿਚੋਰ ਬਾਲੇ ਬਲੋ ਬਲੋ ਬੱਚੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਨੂੰ ਬਾਰੇ ਉਸ ਇੱਕ ਬਾਲੇ ਦੇ ਨਸਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਪਈ ਹੈ ਮੈਂ ਗੁੱਡੇ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਇਤਨਾ ਸੋਚ ਹੀ ਨਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਹ ਸਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਹ ਹੈਂਡਲ ਕਰਦੇ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਲਾਹੀਅਤ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ ਸੀ ਕਰਾਉਂ ਮੇਰੇ ਮਹਿਬੂਬ ਮਾਨੀ ਜੀ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਲੋਕ ਉਸ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕੇ ਲੋਕ ਉਸ ਹਿੰ ਪਰ ਸਮੇਂ ਆ ਕੇ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 40-45 ਸਾਲ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਰਿਖ ਅਸਾਂ ਸਿੱਫੇ ਕਰੇ ਚੀਜ਼ੇ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਸਾਂ ਆਏ ਕਿਤੇ ਦੇ ਕਿਉਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਮੋਹਰੀ ਨਸਲ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹਰ ਹੱਕ ਵਾਸਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹਰ ਫੋਰਮ ਤੇ ਵੰਜ ਆ ਸਕਦੇ ਔਰ ਹਰ ਫੋਰਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਔਰ ਕੋਈ ਇਹ ਜੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਕਿ ਅਸਾਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਛੋਟਾ ਗਿਲਟ ਕਿੰਦੇ ਹੋ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਜੇ ਸ਼ਾਇਰੀ ਕੀ ਨਹੀਂ ਪੀਏ ਉਹ ਬਾ ਕਮਾਲ ਸ਼ਾਇਰ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਲੈਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਹਾਂਗੀਰ ਮੁਖਲਿਸ ਨਾ ਬਾਬਾ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਾ ਦੱਸੀ ਇਹ ਸਾਡਾ ਹਾਲ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੁੜੀ ਗੱਲ ਆ ਮੇਰਾ ਜਾਨੀਆ ਆ ਮੇਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦੇਖੀ ਜੋ ਪਰ ਪਿੱਛੇ ਫਰਿਆਦ 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 ਨਾ ਬਾਬਾ ਇਹ ਸਾਰੀ ਸਰਗਿਆ ਇਹ
हुण 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 अब क्या ठीक है पांच लाख सूरी उते लोग मर्दन की में लोग जीते की में सारे को ये कनेक्शन है बेहतरीन फिल्म है तैयार की के बेहतरीन फर्स्ट क्लास फिल्म है सराय की आवाम की मौजूदा हालात का बेहतरीन नक्शा इनकी हर नजर में मौजूद है लेकिन अब उन्हीं का आर्डर ना इसके बाद और इतने बड़े डिक्शन का इतने बड़े फैलाव का इतने बड़े लफ्जिया का इतने बड़े फैलन का बंदा इन बड़ी गाल अबू करे सी ना इनकलाब 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 बदलने बदलने इतना ही नहीं से छड़ देता अपने लोग सुन में देखियो हंजू में देखियो लोग सुन में देखियो हंजू में देखियो बैठू थे चुप करते तू जो छो बस तू छो तू सोना जो छो बस तू छो जे तू करे बस तू करे बस जो मर्जी अभी तू प्यार करे बाबा ना बस आखिरी में जेरे वेरे बिल्कुल मुशायरा
आखिर ते गए उन्हें भी कुछ जिन तू अराब महलाएं भी तेरी उम्र ते अंदर है एक कमानिया तेरे अंदर ती खुशी है तेरा कुछ को महसूस करना प्यार मुझे तो प्यार तेरा को सुना चाहता शायद जब वो आज हाले कि मैं उपेन आज ना मैं कहूँ कि मैं आम नहीं गा रही लेकिन उनके अंदर खुशी है इतनी जो कोई सुना चाहता हा पर शायद सुनी सी और ऊ यारे मुशायरा नहीं मैं बस मुशायरा सुना चाहता हा और वो मुशायरा सुन और जेरे शेर वो सुनने आए और जेरे सुना चाहता वो शेर वो सुने और वो मैं पूछ जा रहे बड़े शहर ही पढ़े आओ शहर और हमेशा बड़े शहर उधर मेरे ता मेरे लिए इतना सा यो कर बिनु बस हूँ जा रही हो था इत्तफाक कि मैं तकरीर कर रही थे मैं यहाँ हेट कर सो मेरा तकरीर वो शहर का तम था इतना समझ हूँ मेरे मेरे भिराद मैं कितना मेरी जुना ब्रेन है मेरी ठीक है बड़ा मैं यहाँ तो बहुत ठीक है लेकिन ये है कि एक पासों वो तो खाज मेरे भिराद बहुत है और मैं उन दिन आराम छिपी गाल नहीं सका एक पासों के होन भी खड़ी थी तो मैं यार ताज खान में अलग ही था मैं ताज खान में गाल थी ताज खान में गाल सोन की थी ताज खान में गाल सोन भाग की थी एक भिराद बाग उन दिन गाल नहीं सुन सके मैं एक भिराद आज नहीं गाल सुनी है जना अलग ही सुनी है एक मैं अलग सुनूंगा भी पर सारे रिश्ते इन क्या नहीं होते सारे रिश्ते तबके के रिश्ते होते हैं सारे रिश्ते ये सोच मसाला तब रिश्ते नहीं होते मैं को पता कह नहीं पहले कई सोच रहे थे जिन्हें नाम है मैं को पता कह नहीं लेकिन इतना सारे पेशेंट है कि मेरे को मैं 90% लोगों तक ना जाना मेरे अपने घर के मेंबर है हां मेरे संग ही में है ना गिरा हो मजा सही नहीं में है ना कि आपना गिरा हो गया मंजूर का बेटा मैं मैं आपका आपने गलत बैठा हो गया अपना काम ना ऐसा ऐसा आपने तब के दिन आ रहे सारी 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 जुड़ा देख भी आपने तब के दिन आ रहे ऐसा काम ही मस्ते को लेनन पे नजरी के मुताबिक समझ लेनन ने उनकी बेस्ट उनकी तशरीह की थी और मेरा एक नावल अंदा पे उनके बीच सारी तशरीहात भी हो सके बहुत कुछ हो सी उनके बीच शायद सारा वसीब हो सी पे उनके बीच वसीब हो सी वसीब के रक्स हो सके वसीब त्या बोलिया हो सके वसीब के पत्थी हो सके मच्छे हो सके क्या पता ही क्या क्या हो सके वो ये वो औसी शायद तो उसके सामने पेश थी सी लेकिन ये है कि असरादा कौमी सवाल के बारे में बहुत क्लियर हूँ और लेनन कौमे के हक को मनिया हा और बिल्कुल इन मनिया सी जिवें पाकिस्तान आल इंडिया मुस्लिम लीग 1946 विच मनिया हा वाह 1946 दे विच मुस्लिम लीग ते पाकिस्तान ते इने वफाकी जुड़े दे को नार लाउन वास्ते एग्रीमेंट कीता ओ है 12 रुपया की प्रोग्राम दिता हा जो असारा ए 12 रुपया की एजेंडा है 12 रुपया की प्रोग्राम है और आर इंडिया मुस्लिम लीग का डॉक्यूमेंट है उनको आर इंडिया मुस्लिम लीग के दूसरे बिना के बाद में दूसरे सदरन चौधरी खलीफ को जमान अपनी किताब पासवे को पाकिस्तान ने लिखे और उनके आखिरी चैप्टर जो मौजूद है और उनके नशे के उन जरा मुस्लिम लीग की तहज जो मैं आई पढ़ा वो ए हा कि जरा सुबह जेनरे ये समझे कि मैं नाराज हूँ आपने बफाय करूँ वो आई चुके और ये फर्क तो सुबह नहीं था लेकिन लेनन हर कौम को आजादी का हक दिता था अलहदगी का हक भी दिता था आजादी तो आजादी हो तो असा ही वफा करे ना आजादी मंगते क्यों ना ना असा उन्हें कने कोई अलहदगी मंगते असा वफाक में सुबह मंदे तो त्रेवी जिले का और पाकिस्तान के नाम मंदे तो इधर अलावा समझा कुछ असा को ही आइन के मुताबिक ही आइनी अख्तियार के मुताबिक आंच 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 सुबह वफाकी यूनिट हेडेटिंग यूनिट चाहिए असा को त्रेवी जिले का चाहिए तो अब यार सुबह भटना पवे तो भटो जे
जे इमरान खान कने खैबर पख्तून खा असेंबली में अक्सरिया रहे ते करारदाद पास करे असारा करे दाज दे दे खैबर पख्तून खा दे दाज दे तो जरा करे में अस दू जिले बुदू गैरा इस्माइल खान ता वो सकु दू जिले हेडे में 21 जिले जरे सारे ओ पंजाब दे बिचू देवे सब पंजाब दा नाम ना लेवे असा सैकिस्तान दे नाम ते पंजाब दा नाम आपने सिंध दा नाम आपने खैबर पख्तून खा दा नाम आपने बलूचिस्तान दा नाम आपने असा सैकिस्तान दे नाम ते अंज फेडरेटिंग यूनिट मंदे पियूं और 21 जिले दा मंदे पियूं ई कि ने खट या ई कि ने बाद सारी डिमांड कहनी जेड़ा कोई तुसा बाकी सूबे मिले ते पियो जेड़े अख्तियार जेड़े उन्हें को उन्हें दी आपने असेंबली उन्हें दी आपने पूरी दी पूरी जेड़ी लिस्ट है जेनु ते रजिस्ट्रेशन करन उन्दे मुताबिक असा भी अपना हक अपना मंगना चाहू साकू ए एक इमारत बना की राजी करने की कोशिश ना करो साकू ए ना तो पर सके बंदा पे साकू ए साकू बाबा कहीं कच्चे जमिया बना के मुझे छक सके बना जो सा टेंशन ना है साकू ए का मैं तो असल कोई जा रहे जो असा आप भी पेटन तंबू लागने आपनी समझदा इजलास आपे कर दियो तुम्हारी बहुत मेहरबानी साकू आपे दफ्तर नहीं में बना दियो सु किथे ना किथे कम थोड़ा के सु लेकिन असा एक काना अंधा लूला लंगड़ा अपाहज ए सूबा सूबे दे नाम उते खैरात जकात सदका असा पिंडे कैसे पे आवाज आ हक मंदे को असा आंच को मारे मुमकिन अलावा भी कुछ नहीं मुमकिन है और ये सारा मतलब है ये सारे उन्हें लोगे ना मतलब है जिन्हें ये मसले को चाहता है असारा ये मतलब ताज उमांग ना मतलब है असारा ये मतलब आज के दौर के आशिक गुलदार मंजूर खान दृशक का मतलब है ये सारी संगत ना मतलब है आज के पूरे पाकिस्तान को मैं के अलावा सराय की आलमी दी बहुत बड़ी नुमाइंदगी मौजूद है और मैं एक इंतहाई आम हसीस को छोटा आदमिया मैं इन्हें दे विच बैठा जा मैं क्यों एक मुतालबा करना पिया कि पाकिस्तान अजराहे कनम साकू एक एडिटिंग यूनिट एक प्रोविंस एक इकाई असाकू 23 जिले ते मुश्तमिल अंज करते सराकिस्तान दे नाम ते देवे और असा पाकिस्तान के सारे सूबे दे नाल रल के रहन चाहूं असा पंजाब दे नाल रल के रहन चाहूं असा खैबर पख्तूनख्वा नाल असा बलूचिस्तान नाल असा सिंध नाल असा बाइनरी कोर्स नु वपाक दी असा को नमन्यो है तो तुम्हारी बाइनरी फेस कमजोर राशि जो हमेशा मुझे दे रहे हो हमेशा मुझे